अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और हम जो है जहाँ से हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था वहीं से हम आगाज़ करते हैं। आज हम जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर वन का पार्ट थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मोल। तो चलिए आगाज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या है? मोल इज़ द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला वेट ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है ना, इसके डेफिनेशन से अंदाजा हो रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट है या फॉर्मूला वेट है या जो है वो फॉर्मूला वेट है एक्सप्रेस इन ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है 12 है। इट मींस कि अगर 12 ग्राम का अगर हम कार्बन लेंगे तो वो इक्वल टू 1 मोल होगा। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O 18 है तो हम 18 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे तो वो 1 मोल होगा। इसी तरीके से फॉर्मूला मास ऑफ NaCl जो है वो 58.5 है तो अगर हम 58.5 ग्राम ऑफ NaCl लेंगे तो वो हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl होगा। अगर हम मैथमेटिकली इसको ड्राइव करना चाहें तो क्या हो सकता है कि मोल ऑफ एन एलिमेंट बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास, या अगर मोल ऑफ द कंपाउंड हम देखें तो मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इस तरीके से हम मोल निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का। 1 ग्राम आयन इज ऑल्सो सेट टू बी 1 मोल। ठीक है कि अगर 1 ग्राम आयन भी लेंगे तब भी वो 1 मोल ही होगा। थस इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज अमाउंट इन ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या आयन हो, विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स आर देयर, एज देयर आर एटम कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन विच इज 12 कार्बन। ठीक है ना, बात समझ आ गई है हमें कि कोई भी चीज हो, आयन हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड हो, तो वो जो है हमारे पास किस में आती है? 1 मोल में आती है। अगर वो इक्विवेलेंट, अच्छा इनमें आयन हो, कंपाउंड या फिर हमारे पास एलिमेंट हो, तमाम में जो हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तादाद सेम होगी इफ बीआर कंटेनिंग 1 मोल। अच्छा फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल का वेट इन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है ना, कोई भी ग्राम हो ऊपर रखेंगे उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मोल आ जाएगा। अच्छा रिलेशन विद एवोगाड्रोस नंबर, उसके साथ क्या एवोगाड्रो नंबर जैसे हम जानते हैं क्या होता है 6.0 × 10³, तो उसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है? नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस हैज बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। दिस नंबर इज 6.0 × 10³ एंड इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर डिनोटेड बाय Na। हम ये बात जानते हैं कि एक मोल के अंदर 6.0 × 10³ एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं या आयंस होते हैं। अभी न्यू डेफिनेशन हमारे पास क्या आ चुकी है मोल की? इन द लाइट ऑफ एवोगाड्रो नंबर मोल इज डिफाइंड एज द मास इन ग्राम्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12 i.e. 6.0 × 10³। ये हमारे पास न्यू डेफिनेशन है कि अगर हम 1 मोल किसी भी चीज का लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल या एटम होंगे या आयंस होंगे वो उनकी तादाद क्या होगी? 6.0 × 10³। और हम आजकल इसी तरीके से हम अपने मोल को डिटरमिन करते हैं। अच्छा इफ एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट इज एक्सप्रेस इन ओन्स यानी ओजेड, देन दैट क्वांटिटी इज नोन एज 1 ओन्स मोल। ठीक है, अगर हम ओन्स में ले रहे हैं तो हमारे पास जो मोल आएगा वो सिंपल मोल नहीं होगा, वो 1 ओन्स मोल होगा। अब इसकी जो न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल का पार्ट होता है कि डिटरमाइन द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट, तो किस तरीके से हम करते हैं? सवाल इस तरीके से आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम ऑफ CO2 यू, अच्छा यूज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी हमने निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमें ग्राम में दिया हुआ है तो वेट इन ओन्स या वेट इन ग्राम हमें कितना दिया हुआ है 2400 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 क्या है 44 है, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो मोल्स में आएगा विच इज 54.54 मोल्स ऑफ CO2। अब इन्होंने बोला है कि आपने यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितनी होंगी? आपके पास 4 है। अच्छा एक और सवाल हमारे पास है, हाउ मेनी मोल्स इन 24 ओन्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है तो ऑक्सीजन एटम की मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 16 होगा, यानी एटॉमिक वेट कितना होगा? 16 होगा। अगर
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही होती है, यानी ऑक्सीजन गैस की बात होती है, तो हम यहाँ पे 32 लिखते हैं। तो वही फॉर्मूला है, वेट इन ऑन्स या डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, 2400 हमने लिए डिवाइड बाय 16 किया, जो आंसर आएगा जो कि 150 आ रहा है उसको हम ऑन्स मोल्स में लिखेंगे, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। फाइंड द वेट ऑफ 2.23 मोल्स ऑफ NH3। अब हमारे पास जो है मोल्स दे दिए और हमें मालूम करना है वेट, तो उसी मोलिक फॉर्मूले के जो हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला था वेट इन ऑन्स, यहाँ पे मोल्स दिए हुए थे, तो मोल्स हमें दिए हुए, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, हम ये डिवाइड में वहां पे जाके मल्टीप्लाई फॉर्म में चले आएगा और हमारे पास वेट इज इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे ट्रैफ करके लिखा हुआ है कि वेट इन ग्राम बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी NH3। मोल सिंपली हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 17 से, ठीक है। तो हमारे पास जो भी आंसर आया 34.23 हमारे पास आ गया ग्राम। आगे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम ऑफ CaCO3। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 14 होता है और ऑक्सीजन 3 है, तो 48 हो जाएगा। जब हमने इनको सम अप किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 100 आया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, वही फॉर्मूला लगाएंगे कि वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। तो 2400 को डिवाइड कर दिया हमने 100 से, तो आंसर हमारे पास आ गया 24 मोल्स। हाउ मेनी मोल्स आर इन 2400 ग्राम ऑफ MgBr? Mg का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 24 होता है, Br का 80 होता है, दोनों को सम अप किया तो 160 आ गया। अगेन हमने 2400 को डिवाइड कर दिया 104 से, तो हमारे पास आ गया आंसर 23 मोल्स। अब एवोगैड्रो नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एन इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो एवोगैड्रो इन 1776 से 1856 की जानते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आगे चलते हैं, एग्जाम्पल क्या है कि एटोमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 1 मोल होगा और 1 मोल कंटेन करेगा 6.023 एटम्स ऑफ द कार्बन। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इज 18, 18 ग्राम में अगर H2O होगा तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मोल क्या होंगे 1, और इसका भी जो हमारे पास पावर 6.023 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके भी। और अच्छा, आयनिक अगर कंपाउंड तो फिर क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला वेट ऑफ NaCl क्या है, 23 प्लस 35.5 बराबर 58.5 के। अगर 58.5 ग्राम हम NaCl लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा, और 58.5 ग्राम NaCl जो है वो 1 मोल ऑफ जो है वो NaCl में कंटेन करेगा क्या चीज, 6.023, ठीक है। इसके साथ साथ चूंकि ये आयंस हैं, दे कैन डिसोसिएट इन द वाटर, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएंगे, तो अगर हम Na पॉजिटिव को भी काउंट करेंगे तो वो भी 6.023 होगा, और Cl को भी काउंट करेंगे तो वो भी 6.023 मोल्स होगा, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और पूरा का पूरा कंपाउंड अगर हम लेंगे तो वो भी 6.023 मॉलिक्यूल्स होगा। अच्छा, नंबर ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल, यही फॉर्मूला हमारे पास के वेट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.023 और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, इसको सिंपलीफाई अगर मैं करूं तो यही है कि अगर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो सिंपली हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। क्यों, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, हमारे पास मोल्स ही तो है, तो चाहे तो हम पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखें या हम सिंपली मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 6.023 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल आ जाएगा। सवाल, लेट्स सपोज अगर हमारे पास आता है कि वेट ऑफ अ टिप ऑफ द कार्बन पेंसिल 0.3 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द टिप। तो सब यह तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में लिखते हैं, या हम 0.3 ग्राम को डिवाइड करें 12 से तो मोल्स आएगा, एंड देन मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास इन द एंड आंसर आ रहा है वो यही आएगा 15.05 × 10⁻¹⁹ एटम ऑफ द कार्बन। अच्छा, नेक्स्ट है, फाइंड द वेट इन ग्राम ऑफ 3.01 × 10³³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब सबसे पहले हमारा काम क्या हो, ग्लूकोज का जो है मॉलिक्यूलर वेट निकालना, ठीक है। तो कार्बन 6 था, 12.6 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है और 6 मॉलिक्यूल है तो 6
6 से मल्टीप्लाई करता, ओवरऑल सम अप किया तो 180 में आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 180 में आंसर आ गया। हमने माना मांगा क्या है, हमसे वेट मांगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो अवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हम सिंपली उसको फॉर्मूले में पुट अप करेंगे, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कि हमें दिया हुआ है, बराबर हो गया वेट इन ग्राम जो हमें रिक्वायर्ड है, और अवोगैड्रो नंबर आ गया 6.0623 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी ग्लूकोज जो कि 180 है। हर चीज हमने पुट अप कर दी है, सही है। तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा क्या, सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना, हमने ना इधर उधर वैल्यूज पुट अप करनी है। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है वही किया है, बेसिकली यही काम किया है कि इन्होंने जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मल्टीप्लाई करा दिया मॉलिक्यूलर वेट से और डिवाइड करा दिया 6.0623 से, तो हमारे पास इन दी एंड जो आंसर आएगा वो 90 आएगा। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ द सोडियम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम का हमें पता है एटॉमिक वेट क्या है, वो है 23, और व्हेन 23 ग्राम ऑफ द सोडियम कंटेन्स 6.0623 एटम्स, ठीक है ना। तो 1 ग्राम, अच्छा यहां पर अगर हम नंबर ऑफ एटम हमें मांगा है किसका 9.8 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 23 से, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे किसके, सोडियम के, एंड देन हम उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 23 से, तब भी हमारे पास आंसर आएगा 12.408 × 23। चाहे तो आप ऐसे करें या चाहे तो आप जो इन्होंने जिस तरीके से किया हुआ वैसे कर लें। आसान तरीका तो ये होता है कि आप सिंपली मोल्स निकालें और मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं अवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है कि इंपेरिकल और सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिफाइंड एज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट रेशो होती है बेसिकली ना ये कि हम लेट्स सपोज हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, बल्कि हम एग्जांपल दिए, हम एग्जांपल पढ़ लेंगे कि इफ डज नॉट इंडिकेट टाइटल एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स और ईच, एक्चुअल नंबर ये इंडिकेट नहीं कर रहा होता बल्कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा होता। बेसिकली हमारे पास किस कंपोजिशन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास कोई एटम कोई एलिमेंट लगे हुए किसी भी कंपाउंड में, हमें ये बेसिकली ये बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज से, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो इसका अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिखेंगे वो आ जाएगा CH2O। इसी तरीके से बेंजीन का अगर हम लेंगे C6H6, उसको हम सिंप्लीफाइड कर देंगे तो आ जाएगा CH, यानी कि 1:1 का रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन में। इसी तरीके से एसिटिलीन हमारे पास C2H2, तो इसमें भी 1:1 का रेशियो, जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास CH। एसिटिक एसिड CH3COOH, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास CH2O, ठीक है। अच्छा, बट देर आर सम आयोनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मजीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड है, अगेन इसको भी हम जो है वो नहीं जो है वो कम मजीद कम कर सकते, तो इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। इसी तरीके से वाटर है H2O, इसको भी हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, हाउ एन एम्पेरिकल फॉर्मूला हेल्प्स इन डिटरमाइन द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किस तरीके से ये हमें फाइंड आउट करने में मदद देगा, एक्सप्लेनेशन क्या है। बाय द अबव एग्जांपल वी कम टू नो दैट मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन बी डिफरेंट, यानी कि एग्जांपल हमारे पास से 1 to 4, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन बी सेम, एग्जांपल 5 to, ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। टू कंपाउंड हैव एम्पेरिकल फॉर्मूला, एग्जांपल नंबर 1, 4 and 2, 3, यानी कि 1 और 4 के अगर हम एग्जांपल देखें तो सेम है, इसी तरीके से 2 और 3 के एग्जांपल देखें तो उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। दिस शोज दैट द रेशियो इन दिस कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। एम्पेरिकल फॉर्मूला डज नॉट थ्रो लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। हाँ, मतलब की बात यह कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको कंप्लीट
इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कंपाउंड की, बिकॉज वहां पे कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है, लेकिन आपको एम्पिरिकल का फॉर्मूला कंपोजिशन या स्ट्रक्चर नहीं बता रहा होता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। अच्छा, कैलकुलेट अगर हमें करना हो एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करेंगे? टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आपने देखने हैं। सबसे पहले क्या, डिटेक्ट द एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड, सबसे पहले एलिमेंट डिटेक्ट करेंगे आप। उसके बाद मास ऑफ द एलिमेंट इज कैलकुलेटेड आउट फ्रॉम द मास ऑफ द कंपाउंड। जो भी आपके पास एलिमेंट होगा मास ऑफ द कंपाउंड में से हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो भी हमारे पास मास ऑफ द कंपाउंड होगा उसमें से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। इफ द प्रॉब्लम मास ऑफ H2O एंड CO2 इज गिवन, देन फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एज फॉलोस। ठीक है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारे पास अगर मास ऑफ द H2 और मास ऑफ द CO2 दिया हुआ हो तो उसमें हम बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट के साथ खेलेंगे। किस तरीके से खेलेंगे, अगर हम मास ऑफ कार्बन हमें निकालना हो और मास ऑफ CO2 हमें गिवन हो तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ CO2 में से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। जैसे मास ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड है तो उसका एटॉमिक वेट होता है 12, उसको हम ऊपर रखेंगे और ओवरऑल जो हमारे पास कंपाउंड था उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम नीचे रखेंगे। तो इसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द कार्बन आ जाएगा, इसमें से कार्बन कितना है। इसी तरीके से मास ऑफ द हाइड्रोजन, मास ऑफ द हाइड्रोजन में क्या करेंगे, मास ऑफ द H2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने हाइड्रोजन का मास प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हमारे पास 1:2 के रेशियो के हिसाब से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, एटॉमिक वेट सॉरी। ठीक है, तो 2 के कितना हो जाएगा 2, तो हमने 2/18 करना है। अच्छा, फ्रॉम द मास ऑफ ईच एलिमेंट वी कैन फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट एज फॉलोस। अच्छा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालनी हो, अब कैसे निकालेंगे, अगेन हमें किसी भी चीज की परसेंटेज निकालते अपने मार्क्स की निकालते हैं, हम क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स करते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालिए तो मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, के उस कंपाउंड में एलिमेंट का मास कितना है वो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट बाय देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक मासेस से हम परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे। द कोटेंट्स यानी HCF सो ऑब्टेंड आर डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट और लीस्ट नंबर्स सो टू गिव द सिंपलेस्ट रेशियो। अब जब हमारे पास बेसिकली मास मोल्स आ चुके हैं, जब हमने परसेंटेज को डिवाइड कर दिया एटॉमिक मासेस से, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ चुके हैं, मोल्स आ चुके हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हमने जो है क्या करना है, जो सिंपलेस्ट मोल आएगा उनसे डिवाइड कर देना हर एक को, ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। If resulting figure is not in whole number, it may be further reduced to whole number by multiplying with the suitable factor, यानी कि 2, 3, 4, neglect the minor fraction if any, because the whole number represents the ratio of the atoms of the elements by the above step, empirical formula of a compound can be determined. Let's suppose हमारे पास जो empirical formula आया सिंपली स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर के थ्रू, तो अगर लेट सपोज वहां पे आपके पास होल नंबर नहीं आ रहा, तो होल नंबर लाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 2, 3 या 4 करेंगे। बट इफ लेट सपोज हमारे पास आंसर आता है किसी भी एलिमेंट का 1.999 या 1.889 इस तरीके से आए, तो वो कैलकुलेशन में हमारा थोड़ा सा एरर होता है, उसको हम कंसिडर करेंगे 2 ही। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश करी कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक दो हम जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं आज के लेक्चर में इसकी, एम्पिरिकल फॉर्मूला की। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, हमारे पास 1.8 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कम्बशन गेव 3.21 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1.322 ग्राम ऑफ दी H2O। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसके अंदाज हो रहा है, हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो क्या हम निकाल सकते हैं हर एक का मास? बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, हमने पीछे पढ़ के आ चुके। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, अच्छा सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या, हमारे पास मास ऑफ CO2 दिया हुआ है, मास ऑफ H2O दिया हुआ है, मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द एलिमेंट निकालना है। तो एज वेट यानी मास ऑफ H2O एंड CO2 आर गिवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट
फाइंड द मास ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, निकाल सकते हैं बिल्कुल, मास ऑफ द सीओ टू मल्टीप्लाई बाय, अगर कार्बन का चाहिए तो 12 डिवाइड बाय 44 करेंगे, क्यों 12 एटॉमिक वेट है किसका, कार्बन का, और सीओ टू मोलिकुलर वेट है सीओ टू का, तो इसलिए हम 12 डिवाइड बाय 44 करेंगे। मास ऑफ द सीओ टू हमें गिवन था 3.21 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 44, आंसर हमारे पास आ गया 0.87541 ग्राम। इसी तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मास ऑफ एच टू मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वाटर में एच जो है वो 2 है, 2:1 के रेशियो से, तो इसलिए हमने 2 डिवाइड बाय 18 किया, जब कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास आ गया 0.1469 ग्राम। जब हमारे पास मास ऑफ कार्बन भी आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन भी आ गया, क्या हम इनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, यस हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज का फॉर्मूला होगा कि फ्रॉम द मास ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन वी फाइंड देयर परसेंटेज। तो मास ऑफ द क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ द कार्बन आ गया डिवाइड बाय मास ऑफ द कंपाउंड आ गया मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। मास ऑफ द कार्बन क्या था हमारे पास 0.8754 डिवाइड बाय मास ऑफ द कंपाउंड क्या था 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100 का आंसर आ गया हमारे पास 48.64 परसेंटेज ऑफ द कार्बन। इसी तरीके से मास ऑफ द हाइड्रोजन क्या होगा, मास ऑफ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मास ऑफ द हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ द हाइड्रोजन हमारे पास 0.1469 डिवाइड बाय मास ऑफ द बेसिकली क्या H2O, बिल्कुल मास ऑफ द H2O हमारे पास क्या है 1.8, तो हमने 0.1469 को डिवाइड किया 1.8 से मल्टीप्लाई बाय 100 के, तो आपके पास जो परसेंटेज आई है वो क्या है 8.16। तो ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल तीन चीजें थी, तो तीनों चीजें जब कंबाइंड होंगी तो हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज बनेगी 100। तो अगर हमें ऑक्सीजन भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे 100 डिवाइड बाय 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ द कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या जाएगा परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन आएगी। इसी तरीके से हमने परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन निकाली है कि परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इज कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ परसेंटेज H ऑफ द कार्बन एंड H फ्रॉम द 100। यही हमने किया कि 100 माइनस जो है वो क्या किया परसेंटेज ऑफ द कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन किया है, तो हमारे पास ऑक्सीजन आ गई वो क्या आ गई है 43.21। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि मोल्स निकालना है। मोल्स हम किस तरीके से निकालेंगे, जब हम परसेंटेज को डिवाइड करेंगे किससे, इंडिविजुअल एटॉमिक वेट से। देख लेते हैं ये किया होगा इन्होंने भी, ठीक है यही किया। तो नाउ डिवाइड ईच परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, तो हमने यही किया है कि 48.64 को डिवाइड किया है 12 से, तो आंसर आया 4.05। इस तरीके से हमारे पास जो है वो जब हाइड्रोजन को हमने जो है वो डिवाइड किया एटॉमिक वेट से, तो आंसर आया 8.16, और इस तरीके से जब हमने 43.21 को डिवाइड किया 16 से, आंसर आया 2.17। तो अब सवाल ये है, अब क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि जो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअल, ताकि हमारे पास सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाए। तो इन्होंने यही किया, अब हमने क्या किया डिवाइड ईच एटॉमिक रेशियो बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू गेट सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो जब हमने किया तो आंसर हमने क्या किया सिंपलेस्ट कौन सा था 2.7 था, तो हमने 4.05 को डिवाइड करके 2.7 से 8.16 को भी डिवाइड किया 2.7 से और 2.7 को डिवाइड किया 2.7 से, तो आंसर आया 1.53 and 1। अब सवाल ये कि होल नंबर है सारे, नहीं, क्या हमने फॉर्मूला में कभी देखा कि सी 1.5 हो एच 3 हो और ऑक्सीजन 1 हो, नहीं देखा। तो इसको होल नंबर में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों, जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास होल नंबर आ जाएंगे सारे। हमने भी ये किया होगा बिल्कुल, रिड्यूस ईच रेशियो टू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर विद 2 एज सी इज 1.5। हमने मल्टीप्लाई 2 किया सबको, तो सी हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया 6 और ऑक्सीजन हो गया 2। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बना वो बना है C3H6O2। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि अ कंपाउंड कंटेन ओनली 2 यानी कि mg ग्राम में दिया हुआ है, ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इन्होंने हमें मास में दे दिया है ऑलरेडी, तो क्या हम निकाल सकते हैं आगे, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाले हैं हमने सबसे पहले तो डेटा बनाना है, डेटा में क्या होगा मास ऑफ द एमजी आ गया 2.4, मास ऑफ द ऑक्सीजन आ गया 1.6, मास ऑफ द कंपाउंड आ गया 4। अच्छा, मास ऑफ द कंपाउंड इन्होंने सवाल में जो है वो नहीं इंक्लूड किया, हम इनको करना चाहिए था, ठीक है।
तो अगर मास ऑफ द कंपाउंड भी दिया हुआ है तो हमारे पास हम क्या करेंगे फिर, हम डायरेक्टली परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज इस तरीके से निकालेंगे, मास ऑफ द Mg को जो है डिवाइड कर देंगे किससे, 4.0 से, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक, इस तरीके से ऑक्सीजन को भी हम निकालेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कोई और तो चीज है नहीं, तो सिंपल हमारे पास दो परसेंटेज आ जाएंगी, किसकी, Mg की भी और ऑक्सीजन की भी। जब परसेंटेज हमारे पास आ गई है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय Mg के मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट से और एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन से हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे। फिर मोल को हम सिंपली जो भी इनमें से जो लीस्ट होगा उससे डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास लीस्ट क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे। अगर वो होल नंबर में नहीं होंगे तो फिर हम मल्टीप्लाई बाय 2, 3 या 4 करेंगे, तो हमारे पास इन दी एंड जो भी सोल्यूशन आएगा या जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो हमारा एम्पिरिकल वेट होगा। तो यही चीजें इन्होंने की भी होंगी, देख लेते हैं। इन्होंने बिल्कुल जो है परसेंटेज निकाली है, मास ऑफ दी Mg को डिवाइड कंपाउंड 100, तो इनके पास आएगा 60%, दूसरा इनके पास इस तरीके से आ गया 40%। तो ओवरऑल हमारे पास 100% हो गया, मजीद आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगेन मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट से डिवाइड किया दोनों परसेंटेजेस को, तो एक 2.5 आया, दूसरा भी 2.5 आया, जो लीस्ट था दोनों 2.5 पे, लीस्ट भी दोनों ही है, तो एक दूसरे को 2.5 से डिवाइड करने के बाद 1:1 आंसर आया, तो आपके पास जो ओवरऑल कंपाउंड बना वो बना MgO। इसी तरीके से जब हमारे पास एक और एग्जाम्पल, ये पेपर में इस तरीके से आती है, ठीक है ना, हम वो एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमारे पास डायरेक्टली उन्होंने परसेंटेज दे दी, अब क्या के पास जो है सी जो है वो क्या है, 38.7% है, हाइड्रोजन जो है वो आपके पास H परसेंट है, और उन्होंने बोले कंपाउंड कंटेंट ओनली सी एच एंड एन, अब सिर्फ नाइट्रोजन ही बचा है, तो क्या हम नाइट्रोजन परसेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 100 से माइनस कर देंगे 38 को भी 16 को भी, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी नाइट्रोजन की। जब परसेंटेज ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है तो डायरेक्टली हम मोल्स में जाएंगे, मोल्स में कैसे आएंगे, डिवाइड बाय इनके इंडिविजुअल एटॉमिक वेट से करेंगे, तो कुछ ना कुछ मोल दे देंगे, जो लिस्ट होगा उससे डिवाइड कर देंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास इन दी एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। इतने सिंपल होता है, और ये कंफर्म 5, 6 या 10 नंबर का सवाल पेपर में आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे परसेंटेज आ गई है, उससे हमने माइनस कर दिया तो 45 हमारे पास परसेंटेज आ गई इसकी नाइट्रोजन की, हमने डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल को, तो आपके पास एक 33.22 आया, एक 16 आया और एक 3.22 आया, 16.1 लिस्ट हो गया, डिवाइड किया तो एक आंसर आया 1। अच्छा हाँ बिल्कुल, 3.22 आपके पास जो है वो लिस्ट आया, तो हमने डिवाइड किया तो आपके पास C1 हो गया, Nb1 हो गया, H हो गया 5, ठीक है। अब आपके पास जो है वो एक और एग्जाम्पल है किसकी, जिसमें आपके पास कार्बन 75% दे दिया, हाइड्रोजन 25% दे दिया। जब परसेंटेज दे दी है ना, तो आपके पास सिंपलीफाइड हो गया, आपने सिंपली डिवाइड करना है और फिर आपके पास लिस्ट प्रेशो आ जाएगा, बिल्कुल आ गया, ठीक है, और आपके पास डायरेक्टली एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है। तो आज की हम क्लास को यही समअप करते हैं, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है ना, और साथ में हमने मोल्स के बारे में पढ़ा और ये डिफरेंट चीज वगैरह नंबर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।